हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में आपकी एसएससी टू द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिनके पास टाइम कम है, अभी भी आप शुरुआत कर सकते हो। जीके की जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बेस्ट से बेस्ट बनाया हुआ है कंटेंट। क्योंकि करंट अफेयर जो है वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ऐसे में मैंने अपनी प्लेलिस्ट में टू द पॉइंट, जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नोबल प्राइज़ हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होगी, वो सारे बिल्कुल कम टाइम टू द पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी वीडियो में क्लियर किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं ये जो INS अरिहंत के बारे में है। देखिए, INS अरिहंत के सक्सेसफुल जो मिशन है वो कंप्लीट होने से, जो परमाणु त्रिकोणीय जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो इंडिया ने, भारत ने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो हमारी पांच कंट्रीज़ थी, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके जो खास क्लब हैं उसमें भारत जो है वो शामिल हो चुका है। इनके पास जो थे वो समुद्री पनडुब्बी थी जो परमाणु हथियारों से लैस थी, जो परमाणु मिसाइल जो है वो दाग सकती थी। अब भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। INS अरिहंत की मैं बात करूं तो ये पहली परमाणु जो सबमरीन है, पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया है, इंजीनियस है। अभी तक हमारे पास जो अभी तक INS पनडुब्बी परमाणु चक्र है, और इस परमाणु चक्र को 2012 में 10 साल के लिए रूस से लीज पर लिया गया था। यह परमाणु तो है पर पारंपरिक हथियारों से लैस है, जिसे एटॉमिक हमला जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको कहूँ, हमारे पास जो न्यूक्लियर ये जो ट्रायड है, ये पूरा कंप्लीट कैसे होता है, हम आसमान से एटॉमिक हमला कर सकते हैं मिराज 2000 लड़ाकू विमान से, ज़मीन से हमला कर सकते हैं अग्नि मिसाइल से, और समुद्र से एटॉमिक हमला करने के लिए हमारे पास अब ये जो पूरा ट्रायड है, 2009 में शुरू हुआ था पर ये बिल्कुल सक्सेसफुल लॉन्च्ड हुआ, जिसमें समुद्री परीक्षण किए गए, ये INS अरिहंत। ठीक है, तो ये पहला आपका ये था, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल। और बताऊँ मैं आपको, तो भारतीय नेवी व DRDO ने इसे विशाखापट्टनम में तैयार किया, और इसके साथ बार्क जो है वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो जुड़ा रहा। INS अरिहंत की ट्रेनिंग में 100 सदस्य थे, जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो हमारी रूस में हुई थी। बिल्कुल कम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, टाटा पावर और L&T जैसी कंपनी अभी इसमें लगातार बनी रही। 2016 से लगातार इसे क्षमता के सीक्रेट ट्रायल जो थे वो समुद्र में चल रहे थे। आज इसके डेटरेंस पेट्रोल के पूरा होने का जो कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। सो इट्स कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल। डेटरेंस पेट्रोल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी तरह से जो परमाणु पनडुब्बी है हथियारों से अपनी, ठीक है, और ये डेटरेंस पेट्रोल का मतलब होता है परमाणु पनडुब्बी पूरी ताकत से लैस होकर निकली, यानी कि इट्स कंप्लीटेड इट्स टोटल पावर। अब इसकी कुछ विशेषताएं जो मैं आपको बता देता हूँ, यह समुद्र में 750 किलोमीटर की दूरी से परमाणु मिसाइल जो है वो दाग सकती है, इसकी पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है इसकी, यह समुद्र के अंदर दुश्मन इलाके में बिना किसी के पता लगे भी जा सकती है, यानी कि किसी को पता नहीं है ये कि समुद्र के अंदर है। तीसरी है, ये 6000 टन की वजनी की परमाणु पनडुब्बी है, इसका वजन जो 6000 टन है। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कम टाइम में प्रोवाइड कर दिया। और 5 नवंबर 2018 को इंडिया ने जो है वो अपना न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो कंप्लीट किया, और ये इंडिया जो 6वीं कंट्री है, ठीक है, इससे पहले 5 कंट्री जो थी उनके पास ये न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट था। अब इंडिया जो है 6वीं कंट्री बन गई है, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के बाद। सो ये कम टाइम में ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब जाते जाते मैं आपको एक और रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, हमारे जो आर्मी चीफ थे, और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, नेवी चीफ एडमायरल सुनील लांबा, और इंडियन एयरफोर्स चीफ IAF चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। तो ये तीन जो थे हमारे चीफ थे, जो तीन हमारी स्ट्रॉन्ग हैं, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, वायुसेना, जलसेना और थल सेना। तो यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट कम टाइम में मैक्सिमम आपको बता दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, और
5 नवंबर 2018 को इसने इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टायर जो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, 5 नवंबर 2018, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। और प्लीज़ करंट अफेयर का जिनको मैक्सिमम से मैक्सिमम कम टाइम में एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।